हे दोस्तों, क्या आप जोड़ों के दर्द, डेंगू, मलेरिया, अस्थमा, डायबिटीज सारे रोगों का इलाज घरेलू नुस्खे से करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो पूरा देखिए। नहीं। क्या आप सब जानते हैं भारत की राष्ट्रीय औषधि कौन सी है? नहीं, अगर जानते हैं तो मुझे कमेंट करिए, और नहीं जानते तो मैं बता देती। आप लोगों ने भारत की राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय पंछी, राष्ट्रीय पशु वगैरह वगैरह सब जानते होंगे, लेकिन औषधि के बारे में कमी लोगों को पता होगा, तो चलिए मैं बता देती हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे, मैं पूनम। आज अब मैं आपको बताने वाली हूँ भारत की राष्ट्रीय औषधि कौन सी है और उसके गुणों में मैं बताऊँगी, तो चलिए मेरे साथ चलते हैं। तो ये देखिए, ये गिलोय है। इसके पान के पत्ते जैसे होते हैं और ये ऐसा दिखता है। इसका ये जो डंठल रहता है, इसे काम में लिया जाता है। आप इसे पहचान लीजिए कैसा दिखता है। ये देखिए, इसकी लताएं कितनी ऊपर तक गई हैं। ये देखिए, ये पूरी नीम के पेड़ में चढ़ गई हैं। तो आज मैं इसका बनाने वाली हूँ जूस। तो कैसे बनता है, चलिए बनाएंगे। तो ये कितना गुणकारी है ये मैं बताऊंगी, और ये क्या क्या रोगों में इलाज किया जाता है। तो मैं इसे ऐसे तोड़ लेती हूँ, आसानी से तोड़ता भी नहीं है। ये मैंने तोड़ लिया इसके डंठन को, तो इसका बनेगा जूस। तो कैसे बनता है, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए दोस्तों, मैं अपने घर पे आ चुकी हूँ और मैं इसे छीलने जा रही हूँ। तो देखिए, मैंने ये डंठल इसके कुछ ले लिए हैं इस तरह से। तो मैंने 5 से 7 इंच की ये डंठल ली है, तो इसे मैं छीलूंगी। तो देखिए कैसे छील रही हूँ, ऐसे इसे छील लेना है, छील के जो है इसे अलग कर लेना है। और इसे छील के छीलने के बाद मैं इसे कूट लूंगी। इस शहर में तो इजली नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना है, पौधा गमले में लगा लेना है, छतों पे कहीं भी। ये बहुत इजली ग्रो करता है, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है। तो मैंने इसे धो लिया है, अब मैं इसे सिलबट्टे पे कूट लेती हूँ कुछ इस तरह से। उबालते हैं, पानी गर्म हो रहा है, उबल रहा है। मैंने यहाँ पे 2 कप पानी लिया है। अब मैं ये गिलो इसके अंदर डाल दूंगी और मुझे इसे 15 से 20 मिनट पकाना है लो फ्लेम पे। मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी नमक और साथ ही साथ मैं डालूंगी इसमें ये तोड़ के, ये तुलसी के पत्ते हमें तोड़ के डालना है। तुलसी के पत्ते में भी बहुत, गिलोय एक मुख्य रूप से वनस्पति है जिसे राष्ट्रीय औषधि भी कहा जाता है, जिसमें आयुर्वेद में इसका इलाज होता है, जिसमें डायबिटिक, अस्थमा, एलर्जी, कई गंभीर सारी बीमारियों में मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है। आप सभी को ये जानना बहुत जरूरी है कि गिलोय एक गुणों का भंडार है। गिलोय सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग रहता है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है। डेंगू, मलेरिया जैसे ये बड़ी बीमारियों में इसे मुख्य रूप से सलाह देते हैं डॉक्टर कि इसे लेना चाहिए, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट के लिए तो ये बहुत ही गुणकारी होता है। इंसुलिन हार्मोन बनाने में ये सहायक होता है, जिससे डायबिटिक कंट्रोल रहता है। सभी औषधियों में इसका औदा है जो सबसे ऊपर है, इसे अमृता भी कहा जाता है आयुर्वेद में। वेल फ्रेंड्स, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसे पका लिया है। अब मैं इसे छान लेती हूँ। तो पकने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह से दिखता है, हरा हरा। तो मैं इसे रेकमेंड करती हूँ कि आप इसे रोजाना पीए। गांव में तो ये इजिली मिल जाता है, पर शहरों में आप एक काम करिए, इसकी डंठल को अपने छतों पर गमले में एक पौधे के रूप में इसे लगाइए। इसे डंठल इसे लगा देंगे, बहुत इजीली ग्रो करता है और बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो आप इसे ज़रूर अपने घरों में लगाइए और इसका इस्तेमाल करिए और सारी इसे दूर रहिए। मैंने इसमें तुलसी के पत्ते डाले हैं, नमक डाले हैं, आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं। बस तो ये जूस हो गया है रेडी, अब मैं इसे पीने जा रही हूँ। आपको भी इसे गर्म ही फूक फूक कर पीना है चाय की तरह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो
सब्सक्राइब कर दीजिए यार, और कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, तो सब कुछ करिए, सपोर्ट करिए मुझे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, लव यू लॉट से।